बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पंजाब असम्बली की जॉब्स के बारे में। पंजाब असम्बली की जानब से 207 जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास तालीम मिडिल मेट्रिक एफ़ए बीए मास्टर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 42 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं। इसमें आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। ये सरकारी जॉब्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड करता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है फौरी नौकरी, ठीक है। फौरी नौकरी लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ चुकी fourinaukri.com। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 207 GOVT जॉब्स इन पंजाब असम्बली। आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे बेसिक डिटेल में आपको बता देता हूँ। कंपनी नेम की बात करें तो पंजाब असम्बली की जानब से जॉब्स का अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन की बात करें तो मिडिल से लेकर PhD तक कोई भी डिग्री आपके पास आया तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो लाहौर के अंदर आपको तैनात किया जाएगा सिलेक्शन के बाद। इसके अलावा अदर सिटीज़ के अंदर भी आपको तैनात किया जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कहाँ पे होती है। पब्लिश डेट की बात करें तो आज इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आखिरी तारीख की बात करें तो 15 जून 2021 आखिरी तारीख है। आपने आखिरी तारीख से पहले पहले अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा देनी है। जॉब टाइप की बात करें तो ये परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 207 इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं। सैलरी की बात करें तो पोस्ट के मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है 42 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे दी गई है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के इश्तहार को देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम करने के बाद मुकम्मल तफसीलात इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जॉब इस वक्त अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पर रिसर्चर की जॉब अवेलेबल है। इसके बाद जर्नल की जॉब अवेलेबल है, रिसर्चर ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है, पार्लियामेंट अफेयर्स की जॉब अवेलेबल है, इसके बाद रिसर्च ऑफिसर की, लीगल ड्राफ्टमैन की जॉब अवेलेबल है, इसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है, इंस्पेक्टर की जॉब अवेलेबल है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब अवेलेबल है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की जॉब अवेलेबल है, इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी की जॉब अवेलेबल है, ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है, इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइजर मैकेनिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, IT टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, इसके बाद क्लर्क की जॉब अवेलेबल है, कुक की जॉब अवेलेबल है, साउंड ऑपरेटर की जॉब अवेलेबल है, ड्राइवर की जॉब अवेलेबल है, नैप कासद, माली, चौकीदार, इसके बाद सैनिटरी वर्कर, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। टोटल जॉब्स की तादाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया है 207 है। इसमें आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। नीचे आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आके आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है तमाम दर जॉब्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये OTS की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आके आप ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त को जमा करवा सकते हैं, ठीक है। घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।